मैंने सुना था कि एंजल होते हैं, फरिश्ते, लेकिन रियल लाइफ में कभी ऐसा देखा नहीं और आज के ज़माने में तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन हमें आज पता चला कि है दुनिया में, तो हमारे लिए तो सलमान खान सर फरिश्ते से कम नहीं है। मैं साजिद खान, मैं डिजेना एसली रिबेलो के साथ काम करता हूँ, उनके साथ 12 साल से काम कर रहा हूँ। बीच में अभी कुछ डैडी को प्रॉब्लम आ गया था हार्ट का। मेरा नाम तबस्सुम है। एक साल पहले मेरे पापा को हार्ट अटैक आया था, मेजर हार्ट अटैक। हम उन्हें बाबा हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ के डॉक्टर लोगों ने बताया कि डैडी का बहुत कम बचने का चांस है। डिज़ाइनर एस्ली रिबेलो, तो उन्हें जब पता चला तो उन्होंने एलवीरा मैडम जो कि सलमान सर के बेस्ट सिस्टर है उन्हें बताया, तो उन्होंने हमें फ़ौरन फ़ोन किया और कहा कि आप अपने डैडी को वहाँ से निकालिए और नानावटी में शिफ्ट कीजिए। पर आपको पता है कि मिडिल क्लास फैमिली के पास इतना बजट नहीं होता है कि हम उनको कार्डियो वैन होती है ना उसमें भी शिफ्ट करके लेके जाए। तो मैडम ने सारा अरेंज किया और उन्हें वहाँ शिफ्ट किया और वहाँ मेरे पापा को ऑपरेशन थिएटर के बाहर लेके आए। तो मेरे भाई के सर का फ़ोन आया एस्ली रिबेलो का, तो उन्हें हमने बताया, थैंक यू कहा, तो उन्होंने कहा कि आप लोग को ज़रा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये जो भी है सलमान सर कर रहे हैं। उन्होंने डॉक्टर पवन कुमार को उनके लिए अपॉइंट किया था जिन्होंने उनका मेजर हार्ट ऑपरेशन किया, कुछ 3 ब्लॉक्स थे उनको। जो भी खर्चा था सब सलमान भाई बोले मैं ही करके दूंगा, जो भी है ऑपरेशन से लेकर यहाँ तक के दवाई का भी उन्होंने खर्चा उठाया, कुछ 5.5 लाख का कुछ खर्चा बताया था उन लोगों ने, एक पैसा हम लोगों को नहीं लगा, सब सलमान भाई की तरफ से हुआ। वो तो हम लोग कहाँ से कर पाते थे इतना पैसा। पर आज जो भी मेरे पापा जिंदा है अल्लाह का करम है सलमान खान सर के वजह से और उनकी पूरी फैमिली के वजह से, हमें ऐसा लगा ही नहीं कि मीन्स हमारी फैमिली और उनकी फैमिली डिफरेंट है। उन्होंने इतना सपोर्ट किया हमें और सलमान सर हमारे लिए फरिश्ते से कम नहीं है, उनकी पूरी फैमिली। मेरे भाई को बेबी हुआ है जिसे बचपन से ही प्रॉब्लम है, वो पैदा हुआ है तो उसके हार्ट में एक सुराग है, सुराग ट्रीटमेंट भी जो है वो सलमान सर के थ्रू हो रहा है, पूरा सपोर्ट दे रहे हैं हमें। तो आप सोचो कि इतनी सारी बीमारी आ जाएगी तो कैसा कौन कैसे अरेंज करता है, सब गॉड के भरोसे छोड़ देते हैं और उनके फरिश्तों। तो बेसिकली जैसे मैंने कहा है कि फरिश्तों का सुना था आप लोगों ने, तो हमारे लिए तो सलमान खान सर फरिश्तों से कम नहीं है।